23 जुलाई 1906 में जन्म होता है चंद्रशेखर आज़ाद का। हाँ, वही वही बालक जिसने नन्ही सी उम्र में अपने शरीर पर खाए हर कोड़े पे आह निकालने के बजाय वंदे मातरम का जयकार किया, जिसने अहिंसावादी नेताओं के द्वारा अपने माथे पर लगाए हुए हर इल्ज़ाम को झुटलाते हुए अपनी देशभक्ति का परचम हर उस भारतवासी के दिल में लहराया जो सुकून की नींद में देश के दर्द को भूले बैठा था और अहिंसा की माला जपता था। ये वही योद्धा था जो 40 शिकारी अंग्रेजों के बीच घिर कर भी सिंह की तरह दहाड़ा। ये वही वीर था जो आज़ाद जिया और आज़ाद गया। आइए मिलते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के ख्यालों से और उनकी शहादत को नमन करते हैं। वो मिट्टी ही कुछ और थी, वो लोग अलग सांचे के थे। भारत को जिसने माता बुना वो अजब गजब ढांचे के थे। कोड़ों से था छितराया बदन, संबल न तनिक हिल पाया था। था जन्म जिस भूमि पावन में मिला, कम मोल कभी जित पाया था। डिगे नहीं वो अड़े रहे समर में अग्नि ज्वाला सी, गोरों की आंखों में किरकिर सी, कोड़ी अहिंसा में दंशनशाला सी। मानव जीवन था उनको प्राण प्रिय, हर जीव से उनका नाता था। माना अधर्म सजग हर शोषण को, फिर हिंसा को क्यों अपनाया था? चलो मापदंड हिंसा का करें, ये होना अधिक जरूरी है। ये शय कब क्यों कर पाता है, अवलोकन अतिशय जरूरी है। क्यों परशुराम ने था शस्त्र उठाया, क्षत्रिय रिक्त संसार बनाया? क्यों राम ने था रावण को मारा, क्यों ना सत्याग्रह अपनाया? क्यों धर्म स्थापन की दृष्टि से कृष्ण ने था युद्ध सुझाया? चलो, सदियों से था रचा बुना, शोषण ही होता है। मतवाले हाथी का भी काबू शूलों से होता है। रहे हाथ जोड़ सिंह के सम्मुख, फिर भी वो तुमको खाएगा। नाक को दूध पिलाओगे तो क्या फन ना उठा डस पाएगा? यूं जटिल नहीं ये वक्तव्य सफी, तो फिर समझ को समझो तुम। जिस भाषा को जालिम समझे उस भाषा में ही गरजो तुम। आजाद समझ इस मंत्र को गए भगवती भगत ने साथ दिया। कहने को लोहा भारी था पर देश प्रेम ने साथ दिया। कई बम फूटे, बंदूक चली, कानों पे धमाका होना था। बहरी घुसपैठी हुकूमत को सर पकड़ पकड़ के रोना था। लेकिन बड़ा विरोधी है, उनको ही गद्दार कहा। जिस जनता पे थे मरवे बिटे, राहों को उनकी बेजार कहा। राह गलत चुन डाली है, वो ना देश का सच्चा नायक है। गोले बारूद और हिंसा को हम सर्वदा कहें खलनायक है। हाथ जोड़ फरियाद करो, कोई कितने तमाचे मारेगा। एक दिन पत्थर का सीना भी पिघल मोम ही बन जाएगा। फरियाद करो, किससे और क्यों? देश मेरा, मिट्टी मेरी, राजा विदेशी क्यों बनने चला? अपने हिस्से के आटे में भी उनका हिस्सा क्यों कटने लगा? अरे दान तो है धर्म अपना, हम भूखों को खा लेना सोने दें, लेकिन गैरों से अपनी घर की यूं बर्बादी ना होने दें। क्या खाक तमाचे की बात करी, गलती पे सर कटवाएंगे। ये देश मेरा, ये हिंद मेरा, फिर क्यों तलवों के नीचे आएंगे? पुरजोर विरोध किया उसने, कोई चूक न होने पाई थी। पर कई जयचंद छिपे अपनों में थे, तभी न नाव पार लग पाई थी। तो घेर लिया खबरी के बल जो आजाद वेग पवन का था। गीदड़ 40 में घिर कर भी सिर्फ शेर नहीं, वो बब्बर सा था। मार पसीने छुड़ा दिए, घंटे भर उनको झेल गया। दुश्मन को जख्मी करते करते अपने ही दम पे खेल गया। कैसे ये शहादत भूलोगे?
कैसे ये शहादत भूलों के जर्रा जर्रा थर्राएगा, इस पावन भूमि से कभी ना उसका सबब मिट पाएगा। आजाद जिया, आजाद जिया, आजाद गया मरते ना कभी सेनानी है। वो जज्बा है, वो दस्तक है कि हर कण में आजादी आनी है, हर कण में आजादी आनी है। जय हिंद, जय भारत।